हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा नोरा फतेही का ड्राइंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही ड्राइंग रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। तो जो ये ड्राइंग है इसके लिए मैं यहाँ पर ग्रिड टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको नहीं पता कि ग्रिड किस तरह से बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो वाला वीडियो आप देखना और आपको अच्छे से आ जाएगा ग्रिड किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना। जो ग्रिड है यहाँ पर ऊपर की तरफ 8 ग्रिड है और नीचे की तरफ 11 ग्रिड बनाया है और हर ग्रिड 1 इंच करके मैंने बनाया है। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट करेंगे, जो ये वाला बॉक्स है D और 5, जो ये वाला बॉक्स है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा की तरह मैं स्टार्ट करूंगा आई से। आई इसलिए क्योंकि आई फोकस पॉइंट होता है। आप कहीं से भी ड्राइंग कर सकते हो, मुझे आई से ड्रॉ करना अच्छा लगता है, तो आप भी बेहतर होगा कि आप भी आई से स्टार्ट करना। तो मैं मतलब यहाँ पर ज़्यादा इतना डिस्क्राइब करने के लिए कुछ है नहीं, आपको तो पता ही है ग्रिड टेक्निक किस तरह से काम करते हैं, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाऊँगा। आप बस मुझको फॉलो करना है, मैं यहाँ पर जिस बॉक्स पे जो मैं यहाँ पर ड्राइंग करूँगा आपको भी उसी तरह से करना है, तभी आपको एक नीट एंड क्लीन और परफेक्ट आउटलाइन मिल जाएगा। आग हम यहाँ पर अच्छे से बना लेंगे, हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा रेफरेंस फोटो है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। वीडियो के बीच पर ही मैं रेफरेंस फोटो को दे दूंगा, आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लेना। जो पहला वाला आग है उसका आउटलाइन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद हम ऊपर की तरफ बनाएंगे आईब्रोज। जो बेसिक आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इसी तरह से हम यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स है यहाँ पर हम दूसरा आंख बनाएंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे, हमेशा हम ऑब्जर्व करके ही बनाएंगे, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बनाएंगे। जो रेफरेंस फोटो है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग बनाएंगे। दोनों आंख हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम बनाएंगे नोज़। नोज़ के लिए हम यहाँ पर नोज़ बनाएंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखो, अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन अगर आप बिना स्किप के वीडियो को अच्छे से आप ऑब्जर्व करके देखोगे तो जो ड्राइंग है वो बहुत ही ईजी होगा, और आप जब बनाओगे तब भी बहुत ही ईजी होगा। तो बिना स्किप के आप वीडियो को अच्छे से देखो, और जिस डायरेक्शन पर मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी ट्राई करो बनाने के लिए। अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो एक बार में आपका आउटलाइन नहीं भी हो सकता है, तो आप गिव अप मत करना। बहुत सारा जो बिगिनर आर्टिस्ट है वो पहली बार में गिव अप कर देता है, एक ही बार में ड्राइंग का वीडियो देखा उसके बाद खुद ट्राई करता है, उसके बाद आउटलाइन इतना अच्छा नहीं होता है तो वो गिव अप कर देता है। ऐसा बिल्कुल मत करना, आपका पहला जो अटेम्प्ट होगा वो किसी का भी अच्छा नहीं होगा। जो पहली बार बनाते हैं वो किसी का भी अच्छा नहीं होता है, हमारा भी नहीं होता था। तो आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ड्राइंग बेहतर होता जाएगा। ये रहा रेफरेंस फोटो, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका बहुत काम आएगा। तो बढ़ते हैं हम ड्राइंग की तरफ। जो लिप्स है वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो फेस है वो 30% तो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है जो नेक्स्ट पार्ट, वो है जॉ लाइन, मतलब जो फेस का आउटलाइन है, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये अच्छा नहीं होता है तो पूरा ड्राइंग ही बेकार सा हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से आप ऑब्जर्व करके टाइम लगा कर कीजिएगा, जितना हो सके उतना आप टाइम लगाओ इसको बनाने के लिए। ये हो गया, अब हम बनाएंगे फोरहेड वाला हिस्सा और जो बाल है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं बनाऊंगा, बस थोड़ा सा इस तरह से करूँगा। जब हम शेडिंग करेंगे तब इसको हम अच्छे से बनाएंगे, फिलहाल मैं इसको इस तरह से बना लूँगा जो बाल वाला हिस्सा है। कान हम थोड़ी देर बाद में बनाएंगे, अब हम यहाँ पर जो हाथ है हाथ को बना लेंगे, हम अच्छे से देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बस इतना से दिखा रहा हूँ, मतलब
जो मैं यहाँ पर जिस तरह से कर रहा हूँ आपको बस फॉलो करना है, अपनी मर्जी से कुछ भी मत करना। जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जिस डायरेक्शन पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस बॉक्स पर मैं अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, बस आपको ये फॉलो करना है मुझको, तभी आपको एक नीट एंड क्लीन और परफेक्ट आउटलाइन मिल जाएगा। तो बस इतना सही है, आप प्रैक्टिस करो, एक बार में नहीं भी हो सकता है आप दूसरी बार ट्राई करो, दूसरे बार में भी अगर नहीं होता है तो तीसरी बार जरूर आप ट्राई करना। हाथ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम बनाएंगे कान। कान के लिए बस इतना कुछ है नहीं, यहाँ पर एक ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके लिए तो बस इस तरह से मैं गोल बना लूँगा। तो कान के लिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो ये कान भी हो गया। तो अब हम बनाएंगे जो हाथ वाला पोर्शन है, हाथ को नीचे की तरफ भी हम थोड़ा सा बना लेंगे, थोड़ा सा लंबा करके। हाथ भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, और भाई एकदम लास्ट में सिर्फ दो चीज़ बाकी है, जो बाल वाला पोर्शन है वो बाकी है और जो क्लॉथ है वो बाकी है, बस ये भी हम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और भाई अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बस जो बाल वाला पोर्शन है वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा कर्व लाइन है यहाँ पर, हम कर्व खींचेंगे। तो बस आपको देखना है मैं कौन सी बॉक्स पर बना रहा हूँ, आप भी इसी तरह से बना लेना। तो बाल में यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दूंगा इस तरह से। यहाँ पर मैं जो नेक वाला पोर्शन है वो भी मैं यहाँ पर बनाऊंगा। जो फेस वाला हिस्सा है वही डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद जो बाकी का हिस्सा है जैसे कि हेयर, क्लॉथ वगैरह वगैरह, वो सब बहुत ही सिंपल होता है, मतलब सिर्फ लाइन खींचते ही हो जाते हैं। बट हमको अच्छे से फोकस करना पड़ता है, जो आई वगैरह होता है, आई, नोज़, लिप्स, ये सब पर हमको अच्छे से फोकस करना पड़ता है और अच्छे से ड्रॉ करना पड़ता है। बाकी क्लॉथ वगैरह में हमको इतना अच्छा से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी तरह से हम इसको अच्छे से बनाएंगे। जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा मैं इसके बाद 2 या 3 दिन बाद में अपलोड करूँगा, वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँगा शेडिंग किस तरह से करते हैं। 2 या 3 वीडियो में बनाऊंगा, जहां पर मैं पहला वीडियो में आई, नोज किस तरह से शेडिंग करते हैं, किस तरह से स्किन पर शेडिंग करते हैं, हेयर किस तरह से शेडिंग करते हैं, वो सब मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर एक बार देख लेना। और यहाँ पर जो नोरा फतेही का आउटलाइन है वो हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए आप कितना नीट एंड क्लीन और एकदम परफेक्ट आउटलाइन हो चुका है। अगर आपको भी इसी तरह का एक रिजल्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको जिस तरह से सिखाया हूँ बस आपको फॉलो करना है, आपको भी इसी तरह का एक परफेक्ट आउटलाइन मिल जाएगा। तो बस इतना सही था आज के वीडियो के लिए। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।